أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم وزدنا محبتهم وأهلك آدائهم ناظرین ग्रामी मरतब जैसे कि आप हजरा के नोटिस में है माशा तरबियत ओलाद के हवाले से आज ये हमारा दर्श नंबर सेवेंटी वन लेसन नंबर सेवेंटी वन है और गुज्त मरतबा हमने इनफाक के बारे में बातचीत की थी लेसन नंबर सेवेंटीन में ये बताया था कि इंसान अगर ख़र्च करता है दीन के राह में नेक कामों में तो उसकी क्या अहमियत है आज उसी के सहारे थोड़ा सा आगे और हम बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप तन्हा इस वीडियो को ना देखें बल्कि इसको शेयर करें ताकि ये बच्चों तक जाए तरबियत औलाद बहुत ज़रूरी है हम दुनिया की दौड़ में कभी कभी अब भूल जाते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे औलाद को लेके क्या है और यही वजह है कि फिर इंसान मरने के बाद हसरतों का एक पुतला बन के रह जाता है उस वक्त सोचता है काश मैंने मेरे बच्चों को अच्छी तरबियत दी होती आज हम इसी फिक्र में रह जाते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए इंजीनियर हो जाए साइंटिस्ट हो जाए बेशक हो जाए लेकिन दीदार रहे डॉक्टर हो तो दीदार हो साइंटिस्ट हो तो दीदार हो तो ऐसे बच्चे दीन के लिए एक सरमाया बन जाते हैं दीन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत बन जाते हैं और ऐसे माँ बाप काबिल फ़क्र हैं जो अपने बच्चों को अपनी तरह जो है ना दीदार बनाते हैं उसके लिए ख़ुद को दीदार होना ज़रूरी है कभी कभी ये होता है कि हम कंजूसी की वजह से ऐसे काम करते हैं कि जिसका असर बच्चों पे पड़ता है और बच्चे भी उसी कंजूसी को ले आगे बढ़ते हैं क्योंकि बच्चे बड़ों से सीखते हैं तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि माल का दीन के लिए ख़र्च करना बेहतरीन चीज़ है रसुल्ला फरमाते हैं कि जब इंसान किसी माल को खैरात में या नेक कामों में मस्जिद बनवाने में इमाम बारगा तमीर कराने में मजलिसें करने में या दीनी मदारस का हेल्प करने में जब माल को ख़र्च करता है तो माल उससे मुखातिब होकर कहता है कि मैं तो फानी था मैं फना होने वाला था मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं था तेरे बाद तेरे वारिस मेरे मालिक बन जाते लेकिन तूने मुझे बाकी बना दिया मतलब ये है कि तूने मुझे ज़िंदा कर दिया मैं फना होने वाला था तूने मुझे बेका दे दी मैं दुश्मन था जिसके पास माल होता है लोग सामने तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं खुश आमदी करते हैं लेकिन पीछे हसद करते हैं वजह क्या है माल तो माल दुश्मन था लेकिन चूंकि तूने अच्छे कामों में उसे इस्तेमाल किया लिहाजा मैं तेरा दोस्त बन गया उसी तरीके से फिर माल कहता है दो चीज़ें सामने आई पहली बात तो मैं फ़ानी था तूने मुझे बाकी बना दिया दूसरी चीज़ मैं दुश्मन था तूने मुझे दोस्त बना दिया तीसरी चीज़ यह है कि तू मेरी हिफाजत करता था हर आदमी अपने माल की हिफाजत करता है जेब में अगर वॉलेट है और उसमें पैसे हैं तो हर वक्त एक निगाह उस पर रहती है कि कहीं कोई ले ना ले अगर घर में पैसे रखे तो इंसान छुपा के रखने की कोशिश करता है कि तू मेरी हिफाज़त करता था लेकिन चूँ चूँकि तूने मुझे नेक कामों में इस्तेमाल किया लिहाजा आज से मैं तेरी हिफाज़त करूँगा तो आलम हमें तोफ़ीक़ दे कि हम इनफ़ाक़ करें लेकिन इसके लिए तरबियत की ज़रूरत है वालदे को चाहिए कि तरबियत करें देखिए क़ुरान में भी जो है ना ज़िक्र हुआ है हादिसों में भी मिलता है कि कुरान में क्या है सुरह तहरीम आयत नंबर छः उसमें ये कि अ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाना जिसका ईंधन जो है ना पत्थर हैं और इंसान है यानि जहन्नम की आग से बचाना कैसे बचाना तरबियत के ज़रिए से बचाना उसी तरीक़े से छटे इमाम फरमाते हैं कि बेहतरीन विरासत जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं वो दौलत नहीं है बल्कि अदब है अखलाक है अगर आपने अपने बच्चे को बाखलाक बना दिया आपने अपने बच्चे को अदब सिखा दिया तो बेहतरीन मरास है आप घर के जर, घर छोड़ के चले जाएं, बैंक बैलेंस छोड़ के चले जाएं, लेकिन अगर अखलाक ना सिखा सके अदब ना सिखा सके तो फिर वो बेहतरीन मरास नहीं है बेहतरीन मरास ये है कि आप अदब सिखाएँ फिर रसोल्ला फरमाते हैं कि इन वल साल बेशक जो वलद साल बेहतरीन बच्चा जो है रेहान तो मिन रिया ही जन्ना जो बेहतरीन सालह बच्चा अगर आपका है तो जन्नत के बेहतरीन फूलों में से एक फूल है तो बेहतरीन कैसे बनेगा पैदाइशी तो नहीं बनेगा ना उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको वक्त देना पड़ेगा अपने बच्चों को अगर आप वक्त नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसे जराए पैदा करें कि जिसके ज़रिए से आपका बच्चा बेहतरीन बन के सामने आ सके दुनिया में इसी चीज़ को अपने विजन में रख के मैंने तरबियत औलाद जो ये चैनल शुरू किया है ये मेरी छोटी सी ख़िदमत है दुआ करें पर दिगार आलम इसको कबूल करें और आप इसको आगे भी शेयर करते जाइएगा जनाब ईसा एक मरतबा गुजर रहे थे कब्रस्तान की तरफ से देखा कि कब्र में अजाब हो रहा था तो पीछे हट गए और चले गए कुछ सालों के बाद फिर उधर ही से उनका गुजर हुआ तो मुस्कुराने लगे लोगों ने पूछा कि इसी कब्र को देखे आप पीछे हटे थे आज मुस्कुराने क्या बात है कहा कि इस इंसान का जो बेटा था वह आज बड़ा हो गया है जवान हो गया जवान हो के उसने लोगों के लिए एक सड़क बना दी है और यतीम को पनाह दी है और किसी का हक़ था जो हकदार को दे दिया उसकी वजह से आज उस बच्चे ने ये जो अमल किया उसका उसकी वजह से अल्लाह ने उसके माँ बाप के गुनाहों को बख्श तो देखा आपने अच्छा इसका असर गज़ा से भी होता है अल्लामा मजलिसी मोहम्मद बाकर मजलिसी कौन नहीं जानता उनको बहुत ही बेहतरीन आलिम थे उनके वालिद जो मोहम्मद तकी मजलसी थे इसान में नमाज़ पढ़ाया करते थे एक दिन वो नमाज़ पढ़ा रहे थे बच्चा जो अमामा मजलिसी जो थे वो सहन में खेल रहे थे किसी का मशकीज़ा था तो उसको उन्होंने उसमें सुराख डाल दिया और उस पानी से खेलने लगे जब नमाज से फारिग हुए तो जो मशक़ीज़े का मालिक था वो आया उसने शिकायत की कि देखिए आपके बेटे ने ऐसा कर दिया फ़िक्रमंद हो गए घर आए अपनी बीवी को बुलाया बताया कि मुझे समझ में नहीं आता मैंने कभी कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से इसने ऐसी हरकत की है तुम बताओ जब तुम हामिला थी तो तुमसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई तो माँ ने कहा कि मैं कभी दूध भी नहीं पिलाती थी जब तक कि वजू ना कर लूँ लेकिन एक मरतब मुझसे गलती हो गई मैं मेरे पड़ोस में गई थी मिलने के लिए पड़ोसियों से उस वक्त मेरे हाथ में एक सुई थी उनके घर में अनार का पेड़ लगा हुआ था जिसमें बेहतरीन अनार थे तो मेरा दिल चाह कि मैं एक अनार को चख लूँ मैंने सुई उस अनार में चुभोया और उसको थोड़ा सा मैंने चख लिया तो से कि वारिस वालिद ने कहा बस यही ग़लती आज ये सामने आई है कि मेरे बेटे ने हरकत की है तो अजान मोहतरम हम अगर चाहते हैं कि बेहतरीन औलाद हो तो हमें सबसे पहले गुनाहों से बचना चाहिए फिर उसके बाद बच्चों की तरबियत अच्छी से अच्छी देना चाहिए दीन के लिए उनको इम्पोर्टेंस बताना चाहिए कि दीन की इम्पोर्टेंस क्या है वरना हम मर जाएंगे और ऐसे ही हो जाएंगे जैसे लावारिस थे बच्चे ना आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे ना आपके लिए कोई नेक काम करेंगे अभी भी वक्त है जिसके पास बच्चे हों वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए बच्चों को नेक तरबियत दे और अल्लाह हमें तोफ़ी दे कि हम अपने बच्चों को नेक और साल बनाएं और परदिगार हम सब को इमाम ज़माना के चाहने वालों में शुमार करें बस इसी के साथ मौलवी अब्बास अली का सलाम कबूल फ़रमाएँ वक्त वसलाम वरहल वर्का